మధ్యప్రదేశ్ రాజధాని భోపాల్ను భారీ వర్షాలు కుదిపేస్తున్నాయి. నిన్నంతా కురిసిన అతి భారీ వర్షానికి భోపాల్ సిటీ మొత్తం తడిసి ముద్దైంది. అనేక చోట్ల వర్షపు నీరు చేరింది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో మోకాల లోతులో నీరు నిలిచిపోయింది. కాళియాసో డ్యాం నుంచి నీటిని విడుదల చేయడంతో కోలార్ ఏరియా మొత్తం నీట మునిగింది. నీళ్లలోకి ఇల్లు చేరడంతో జనం అవస్థలు పడుతున్నారు. జనం ఇళ్లపై కేకారు. కాలువ పక్క ఉన్న ఇల్లున్న వారికి పరిస్థితి దయనీయంగా మారింది. अभी लगातार बनी हुई है, काफ़ी बाढ़ जा रही है और इस स्थिति से हम सभी को अवगत करा रहे हैं और हम लोग भी प्रशासनिक रूप से सभी यहां मौजूद हैं और सबको सुरक्षा की दृष्टि से हम सबको अलर्ट कर रहे हैं. अभी तक हम लोग यहां 30-35 लोगों को स्कूल में शिफ्ट किया है, यहाँ से खाली करवा के और वहाँ पर व्यवस्था किया है हम लोग ने. इसमें सर जो पानी खुलने गेट खुलने कारण से हमारे घरों में परसों से पानी भरा हुआ है, बिल्कुल गेट खुल बंद नहीं हो रहा है मतलब. अच्छा जी सर. तो कुछ सामान बह गया, कुछ लोगों घर भी टूट गए. उधर हमारा भैया रहता है, उसका भी घर टूट गया है सर. पूरे बहुत दिन से परेशान है सर. स्कूल में पड़े हुए बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है सर. इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है. खाने पीने से ही परेशान है सर. सोने पाने से ही परेशान है सर. खाना मतलब आ रहा है, स्कूल में रह रहे हैं सर अभी. और क्या, घर की स्थिति बहुत ख़राब है सर. पूरे बर्तन वाले भी डूब गए पानी पीने का. यहाँ पे बहुत बेकारी स्थिति चल रही है कि लोग बागों के घरों में पानी भर चुका है और यहाँ 2-3 मकान भी गिर चुके हैं पीछे. और सबसे ज़्यादा खाने वाने की प्रॉब्लम और सब नगर निगम कर रही है